जिला लाहौल स्पीति के समूचे क्षेत्र में कल शाम से हो रहे हिमपात के बाद केलांग मुख्यालय में 23 सेंटीमीटर के करीब हिमपात दर्ज किया गया है। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने बताया कि जिला लाहौल स्पीति के ऊंचे दरों पर 2.5 से 3 फीट तक हिमपात हुआ है। जिला के रिहायशी इलाकों में 1 फीट से ऊपर हिमपात हुआ है। जिला के ग्लेशियर से संभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है, लिहाजा लोग एहतियात के तौर पर घरों से दूर ना जाएं और बेवजह यात्रा को टाल दें। अपने स्थानों पर ही सुरक्षित रहें। किसी भी आपदा पर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। लीडिंग फायरमैन सब फायर स्टेशन के लोगों में कार्यरत हूँ। आज का जिला लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिजास्टर के साथ किसी भी इंसिडेंट को निपटने के लिए या वहाँ कोई भी इवैक्यूएशन वर्क हो उसको कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमें या तो डायरेक्ट कॉल आती है या फिर प्रशासन के पास वहाँ डीडीओ में से जो भी कॉल आती है उनके साथ जिस भी तरह की कोई भी इंसिडेंट होगी वहाँ पर कार्य को सुचारू रूप से और जल्दी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे भी कोई कॉल आए तो हम उसके लिए अटेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। जिला लाहौल स्पीति के समूचे क्षेत्र में कल शाम से हो रहे हिमपात के बाद केलांग मुख्यालय में 23 सेंटीमीटर के करीब हिमपात दर्ज किया गया है। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने बताया कि जिला लाहौल स्पीति के ऊंचे दरों पर 2.5 से 3 फीट तक हिमपात हुआ है। जिला के रिहायशी इलाकों में 1 फीट से ऊपर हिमपात हुआ है। जिला के ग्लेशियर से संभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है, लिहाजा लोग एहतियात के तौर पर घरों से दूर ना जाएं और बेवजह यात्रा को टाल दें। अपने स्थानों पर ही सुरक्षित रहें। किसी भी आपदा पर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। लीडिंग फायरमैन सब फायर स्टेशन के लोगों में कार्यरत हूँ। आज का जिला लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिजास्टर के साथ किसी भी इंसिडेंट को निपटने के लिए या वहाँ कोई भी इवैक्यूएशन वर्क हो उसको कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमें या तो डायरेक्ट कॉल आती है या फिर प्रशासन के पास वहाँ डीडीओ में से जो भी कॉल आती है उनके साथ जिस भी तरह की कोई भी इंसिडेंट होगी वहाँ पर कार्य को सुचारू रूप से और जल्दी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे भी कोई कॉल आए तो हम उसके लिए अटेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। जिला लाहौल स्पीति के समूचे क्षेत्र में कल शाम से हो रहे हिमपात के बाद केलांग मुख्यालय में 23 सेंटीमीटर के करीब हिमपात दर्ज किया गया है। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने बताया कि जिला लाहौल स्पीति के ऊंचे दरों पर 2.5 से 3 फीट तक हिमपात हुआ है। जिला के रिहायशी इलाकों में 1 फीट से ऊपर हिमपात हुआ है। जिला के ग्लेशियर से संभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है, लिहाजा लोग एहतियात के तौर पर घरों से दूर ना जाएं और बेवजह यात्रा को टाल दें। अपने स्थानों पर ही सुरक्षित रहें। किसी भी आपदा पर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। लीडिंग फायरमैन सब फायर स्टेशन के लोगों में कार्यरत हूँ। आज का जिला लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिजास्टर के साथ किसी भी इंसिडेंट को निपटने के लिए या वहाँ कोई भी इवैक्यूएशन वर्क हो उसको कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमें या तो डायरेक्ट कॉल आती है या फिर प्रशासन के पास वहाँ डीडीओ में से जो भी कॉल आती है उनके साथ जिस भी तरह की कोई भी इंसिडेंट होगी वहाँ पर कार्य को सुचारू रूप से और जल्दी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे भी कोई कॉल आए तो हम उसके लिए अटेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए लाहौल स्पीति से तेंजिन वंग्याल रुम्भा की रिपोर्ट।